नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। हाई लेवल का ब्रिज का शिलान्यास, बुद्ध पूर्णिमा की बधाई के साथ भाषण शुरू। जोधपुर में सीएससी टीम ने संयुक्त कार्रवाई को दिया अंजाम, अफीम डोडा पोस्ट के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। भगवान बुद्ध की नगरी पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र समेत जनप्रतिनिधियों ने लिया भाग। और खबरें विस्तार से। उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर में पार्टी में बदलावों का फैसला करने के बाद राहुल गांधी सोमवार को बैनेश्वर धाम हाई लेवल का ब्रिज का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने बैनेश्वर धाम में दर्शन किए, बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए अपना भाषण शुरू किया। दक्षिणी राजस्थान में स्थान पर सभा का सियासी मैसेज है। चिंतन शिविर खत्म होने के ठीक अगले दिन होने जा रही सभा को आदिवासी इलाके की राजनीति के हिसाब से अहम माना जा रहा है। आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन बीजेपी के बाद स्थानीय पार्टियों ने इससे सेंध लगा दी। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी के उभर के बाद कांग्रेस को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर की आदिवासी बहुल सीटों पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बीडीपी ने पिछली बार 2 सीटें जीती थी। इस बार गुजरात में बीटीपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इस गठबंधन का कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। जोधपुर में आज केंद्रीय कारागार में बंदियों ने अपने दिन की संगीत में शुरुआत की। सूर्य नगरी, तराना और केंद्रीय कारागार जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भोर से विभोर कार्यक्रम में तराना के सदस्यों ने कारागृह परिसर में अलसुबह संगीत की स्वर की लहरियां बिखेरी। जयपुर से पधारे हुए तराना के मुख्य संयोजक दवेंद्र शर्मा के निर्देशन में तराना के सदस्यों ने अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां देकर कारागृह के बंदियों की तनाव मुक्त सुबह की शुरुआत की। वहीं अच्छा संगीत सुबह सुबह सुनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कार्यक्रम की शुरुआत दवेंद्र शर्मा ने मोटिवेशनल गानों से की। उसके बाद अमित पेड़ीवाल ने कबीर वाणी गाकर व गर्दिश में ना हो तारे गीत गाकर किदियों का मनोरंजन किया। वहीं सूर्यनगरी तराना के संयोजक नीरज बोहरा ने भी मधुबन खुशबू देता है और इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना गाकर किदियों का मन मोह लिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की राजीव गांधी नगर थाना पुलिस और सीएचसी टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देकर अफीम डोडा पोस्त और 2,53,700 रुपए के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पूरी कार्रवाई के बाद में बारे में बताते हुए राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने बताया कि सीएसटी टीम और थाना की टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देकर सोहनराम पुत्र मानाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। नयापुरा चौका निवासी सोहनराम के कब्जे से 1 किलो 350 ग्राम अफीम, 2 किलो डोडा पोस्त और 2,53,700 रुपए जब्त किए। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वो अफीम कहां से लेकर आया था और कैसे सप्लाई करने जा रहा था। वहीं एक तरफ जहां जोधपुर में भीषण गर्मी का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ कई सामाजिक संगठन भी आगे आए जो भीषण गर्मी में लोगों को पानी मुहैया करवा रही हैं। J21 नामक संगठन ने आज जोधपुर में मोबाइल प्याऊ शुरू की। यह मोबाइल प्याऊ शहर के अलग अलग जगह चौराहों पर जाएगी और लोगों को शीतल जल उपलब्ध करवाएगी। इन प्याऊ में मिनरल वाटर होगा, साथ ही पीने के प्लास्टिक के गिलास से नहीं स्टील के लोटे और स्टील की गिलास होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन मोबाइल प्याऊ को रवाना किया और कहा कि गर्मी के बीच रोड पर मोबाइल प्याऊ जनता को काफी राहत देगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संगठन की पहल के बाद अन्य लोगों को भी साथ में आना चाहिए और हमें प्राचीन जल स्रोतों पर भी ध्यान देना चाहिए। आरोल कैमरोल, ये पीने के पानी व्यवस्था करना इस देश में सदियों से परंपरा रही है। राहगीरों के लिए, मुसाफिरों के साथ साथ में जहां आवश्यकता हो वहां पर, गर्मी के इन महीनों में न केवल आदमी के लिए अपितु प्राणी मात्र के लिए पीने के पानी व्यवस्था करना, चिड़ियों के लिए परिंदे लगाना भी इस देश की परंपरा रही है। भारत में हमेशा ही हमने सभी प्राणियों का कल्याण हो और विश्व के बंधुत्व की भावना को लेकर के हमारे ऋषियों मनीषियों के मार्गदर्शन में काम किया है। जोधपुर के इस सामाजिक सेवा के सरोकार के लिए काम करने वाले J21 ग्रुप ने भी एक अनूठी पहल की है और इसे चलते फिरते जल मंदिरों का आज लोकार्पण किया है। जिन जल मंदिरों के माध्यम से ऐसे जगहें जहां पर ज्यादा लोगों का फुटफॉल होता है, ज्यादा लोग जाते हैं अस्पतालों के पास में, चौराहों में, वहां इस तरह के जल मंदिरों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जो ये पहल है, निश्चित रूप से अनूठी भी है और अनुकरणीय भी है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के सेवा कार्य से यहाँ जुड़े और साथ साथ में हम अपने ट्रेडिशनल वाटर स्ट्रक्चर्स को रिजुविनेट करके उनको भी वापस आने वाली पीढ़ियों को धरोहर को ठीक से संरक्षित करके सौंपे, ये हमारा दायित्व है। और हम मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज इस शुभ अवसर पर जब एक तरफ हम ऐसे जल मंदिरों का लोकार्पण करें, वहीं J21 ग्रुप ने ऐसे 2 जोधपुर के वाटर स्ट्रक्चर्स को रिजुविनेट करने का संकल्प यहाँ व्यक्त किया है,
मैं मानता हूँ कि इस तरह से जब समाज किसी बड़ी से बड़ी चुनौती को भी अपने कंधों पर उठा लेता है, स्वयं स्वीकार कर लेता है, तो वो चुनौती धराशायी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जोधपुर जो है इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जिस तरह के संकल्प है और उनकी जैसी इच्छा और भाव है, इसकी पूर्ति के लिए जोधपुर पूरे देश में एक रोल मॉडल बनेगा। जो है ये मोबाइल पे हो जाएगी, ये विजुअल रूप देखते हुए हमने शहर के हर चौराहे, हर हॉस्पिटल और रोड पे ये लगाने का निर्णय लिया है। अभी हमने शुरुआत में ये 5 गांव की है, इसको हम पहले बावटा चौराया, नई सड़क चौराया, जलोरी गेट चौराया, एम्स रोड, एमडीएम हॉस्पिटल और बाहरी रोड चौराहे से चालू करेंगे। और जो गांव 2 किलोमीटर एरिया में वो गांव घूमेगी और राहगीरों को, मुसाफिरों को जल पिलाएगी, इसी तरह की व्यवस्था की। वहीं प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर के बाहरी इलाकों में दिनों पानी की भारी किल्लत है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ताजा मामला डिगाड़ी इलाके का है, जहां लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर मटकियां फोड़कर प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग के कार्यालय में मटकियां फोड़ रही महिलाएं और यह लोग डिगाड़ी इलाके के हैं। यह इलाका जयपुर जोधपुर हाईवे पर है और यहाँ पानी की भारी किल्लत है। लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग की लापरवाही और अवैध कनेक्शनों की वजह से उन तक पानी नहीं पहुंच पाता, इसका खामियाजा उनके परिवार और उनके पालतू जानवरों को उठाना पड़ रहा है। लोग 500 से 1000 रुपए तक का पानी का टैंकर खरीदने को मजबूर है, लोगों को पानी के लाले पड़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि उनके इस प्रदर्शन के बाद भी यदि पानी की सप्लाई सही नहीं हो पाई तो वो और बड़ा आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन की और जलदाय विभाग की होगी। आज आपको मेरे घर पानी नहीं आ रहा है 3 महीने से नांदड़ी में, बर्त भी पीछे में तो पानी नहीं आ रहा है, खारा पानी को डालते हैं, बच्चा का पेट खराब हमारा हो गया। और मीठा पानी को बताओ 500 लेते, कभी 800 लेते, वो भी मिलता नहीं, 3-4 दिन हम बीमार हो गए, पानी भी मीठा खारा पानी और पानी नहीं मिलता हमको, बहुत परेशान हो गए हम, और हम भी बीमार पड़ गए। पानी कैसे लेके आए, घर का सामान तो पैर से लेके आए, पानी कैसे लेके आए, कहाँ जाए? आज आपने क्या किया? आज क्या कर हम लगते पानी नहीं है हमारे पास, हम सबको बोला भाई चलो साहब को बोला पानी मिलो, इसलिए मिलके साहब को बोले चलो हमारे साथ, इनके घर पास नहीं रहते हम लोग, इनको परेशान करते हैं। सर हम सब यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं, सारी कॉलोनी हमारी परेशान है पानी से, एक दिन की बात हो तो ठीक है, पिछले 2.5 महीने से पानी नहीं आ रहा है और हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ट्रैक्टर डलाने के लिए जिसके पास पैसा होगा वो डलवाएगा, जिसके पास पेमेंट नहीं होगा वो कहाँ से डलवाएगा? पहले ही बताए खाने के लिए लगाए, ये इंसान लड़ता रहेगा, कभी लॉकडाउन हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी कर्फ्यू लग जाता है, इंसान कहाँ से लेके आएगा पैसे? पहले तो ये बताइए आप, और ट्रैक्टर के लिए कभी भी होता है, हम परेशान हो चुके हैं, आज तक फिरते फिरते इनसे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, 2 महीने से तो इनसे झगड़ा कर रहे हैं हम, आप पूछो उनसे जाके प्रशासन क्या कर रही है, यहाँ तक इतना परेशान, इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सारी मीडिया वाले लिख के उनके बेलो इतना परेशान हो गए, यहाँ पे महीने का पानी भी नहीं मिल रहा है धोने के लिए नहाने के लिए, तो वो तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ हमारी कॉलोनी में नहीं आ रहा है, बाकी सारी कॉलोनी में पानी आ रहा है, पानी की दिक्कत हो तो सब बताओ आप। सूरतगढ़ से खबर, जहाँ विद्युत सहायक अभियंता सूरतगढ़ में चल रहे धरने में कांग्रेस प्रत्याशी हनुमान मील पहुंचे, जहाँ उन्होंने प्रदर्शनकारियों से मिलने के बाद मांगों को मानने पर धरना समाप्त करवाया। करंट लगने से लाइनमैन की मौत को लेकर पिछले 3 दिनों से धरना चल रहा था, वहीं इस बीच हनुमान मील वहां पहुंचे और समझौता हुआ। वहीं विधायक रामप्रताप कासनिया को ये रास नहीं आए और बोले कि हमारा काम तो आग लगाने का है और लगाएंगे, ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वार्ता में एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, सहायक अभियंता के अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर कोलाइट से, जहां गुड्डा स्थित VSLP लिग्नाइट पावर प्लांट पर चकबंदा नंबर 1 सरपंच गजय सिंह के नेतृत्व में 100 से अधिक ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। कंपनी के अधिकारियों के नाम 9 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी दिया। सरपंच गजय सिंह देवड़ा ने बताया कि लिग्नाइट प्लांट द्वारा डे गुड्डा सांकला बस्ती की जमीन अवाप्त की है, इस दौरान ग्रामीणों को भूमि के बदले आजीवन प्लांट में गांवों के परिवारों के एक सदस्य को काम देने का अनुबंध किया, परंतु वर्तमान में कंपनी द्वारा प्लांट में केवल 10% ग्रामीणों को ही रोजगार दिया जा रहा है। सरपंच ने बताया कि कंपनी अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन दिया और विरोध प्रदर्शन भी किया, साथ ही चेतावनी दी कि एक पखवाड़े में मांगों को नहीं माना गया तो प्लांट के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। आज VS लिग्नाइट को समस्त एकत्रित ग्राम पंचायत एकत्रित होकर के पूर्ण संपूर्ण ग्राम पंचायत के लोगों ने एकत्रित होकर के VS लिग्नाइट को आज ज्ञापन दिया है। 9-10 सूत्री मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया, आगामी 15-20 दिन के अंदर ये अपने चेते समय चेक करते होते हुए ग्राम पंचायत पे जो विभिन्न मांगों को वो अमल करके उनको लागू किया जाए, अगर नहीं लागू किया जाएगा तो पूर्ण संपूर्ण ग्राम पंचायत यहाँ आकर के इनके डेरा डालेगी और इनकी समस्त जिम्मेदारी VS लिग्नाइट की होगी, जिसमें विभिन्न मांगों में एक दो बड़ी 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 मांगे हैं उसमें लगी है, जिसमें लिखा है कि जिन किसानों की जमीनें गई हैं, जिन किसानों की जमीनें गई हर किसान खातेदार को एक 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 जने को रोजगार दिया जाए और दूसरा जो लोग लगे हुए हैं पहले से उसको ना निकाला जाए और जो लगे हुए लोगों को हर साल इक्विपमेंट की जाए, पीपी सही बराबर मेंटेन किया जाए, इन्हीं विभिन्न मांगों को 11 सूत्री मांगों को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है। इन ज्ञापन को अमल करते हुए 20 दिन अमल करें, आगामी 15-20 दिन के अंदर इसको अमल करके लागू किया, नहीं तो समस्त जिम्मेदारी आंदोलन की 20 लिग्नेट की होगी।
खबरों में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए 15 जून के बीच यूथ कनेक्ट अभियान चलाएगा। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में संभाग, जिला और मंडल तक भाषण प्रतियोगिता, सोशल मीडिया कैंपेन और युवा सम्मेलन आयोजित होंगे। ये जानकारी शुक्रवार को चंदेरी नगर के रेस्ट हाउस में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बैठक में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभय ठाकुर ने दी। बैठक में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभय ठाकुर के नेतृत्व में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का परिचय हुआ। साथ ही युवा मोर्चा की आगामी यूथ कनेक्ट कार्यक्रम 15 मई से 15 जून तक की रूपरेखा बताई। वहीं चंदेरी में गुना सर्किट हाउस में भारत सरकार की कपड़ा उद्योग व रेलवे राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश और लोकप्रिय सांसद डॉक्टर कृष्ण पाल सिंह यादव के साथ चंदेरी पधारने पर आमंत्रण दिया। चंदेरी हैंडलूम बुनकर बहनों और भाइयों की समस्याओं के संबंध में चर्चा की, साथ ही ललितपुर अशोकनगर वाया चंदेरी रेलवे लाइन सर्वेक्षण अनुमोदन के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि अमित सोमानी, भाजपा महिला मोर्चा जिला महामंत्री ज्योति मोहन खारका व कला और विरासत के प्रहरी नीरज वर्धमान और प्रसिद्ध साड़ी निर्माता नसीम टुंटुनी भी साथ रहे। खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां कुशीनगर के विकास खंड विष्णुपुरा के पुरनाहा बुजुर्ग में कैंप लगाकर निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 500 लोगों का इलाज किया गया, जिसमें महिला पुरुष व बच्चे व बच्चियों का काफी संख्या रही। डॉक्टर चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर शिखा अग्रवाल ने कहा कि हर जगह कैंप लगाकर लोगों को निःशुल्क जांच शिविर करते रहेंगे ताकि गरीब लोगों को अपना जीवन जीने का हक मिले और नई जिंदगी की शुरुआत करे। रायबरेली से खबर, जहां दहेज के लिए एक माता पिता व बहन ने मानवता की सारी हदें तोड़ दी। दहेज में 50,000 रुपए व अपाची गाड़ी न मिलने के कारण बारात घर वापस आने पर अपने सगे बेटे व बहू को घर में घुसने से मना कर दिया। मामला शहर के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा नगर मोहल्ले का है, जहां वीरेंद्र सोनकर की कल धूमधाम से बारात गई और आज बेटा अपनी पत्नी को शादी के बाद विदा करवाकर घर वापस आ रहे। लेकिन लालची माँ बाप व बहन ने बेटे से कहा कि जब तक 50,000 रुपए व अपाची गाड़ी नहीं हो तुम दोनों लोग घर से घुसने नहीं दूंगा और कमरे में ताला बंद कर दिया। रिश्तेदार दहेज लोभी परिवार को समझाते रहे लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। बेटा व नई नवेली दुल्हन घंटों सड़कों पर खड़े रहे। बेटा व बहू ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। चंदेरी में ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में वैशाख शुक्ल चौदस को नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह का प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। भक्तों ने सुबह के समय भगवान का अभिषेक किया, उसके उपरांत दोपहर को जन्मोत्सव मनाया गया व शाम को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तगण मौजूद रहे। गौरतलब है कि नरसिंह भगवान की सवारी मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र चंदेरी में निकाली जाती है। यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है व पूरे क्षेत्र में अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है। इसे बुंदेला राजाओं ने बनवाया था। इसकी वास्तुकला में बुंदेली वास्तुकला के साथ राजस्थान की झलक दिखती है। खबर कुशीनगर से, जहां भगवान बुद्ध की नगरी कुशीनगर में पावन धरती पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद कुशीनगर विजय दुबे और विधायक खड़ा विवेकानंद पांडे और विधायक कुशीनगर पीएन पाठक व विधायक तमकुही राजसिंह राय और विधायक पडरोना मनीष जायसवाल और वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्र, सभी जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान और एडीजी अखिल कुमार और आयुक्त गोरखपुर और रवि कुमार, एनजी और जिलाधिकारी कुशीनगर सहित पुलिस अधीक्षक भी वहां पर मौजूद रहे। कुशीनगर से लुम्बिनी के लिए उड़ान हुआ। अब खबरों में बात करेंगे अही रेजिमेंट की। आज अही रेजिमेंट के मांग को लेकर आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं खेड़की दोला टोल नाके पर बैठे हुए। आज इसी बीच बिहार के सांसद पप्पू यादव ने भी अब समर्थन में उतरे हैं और उन्होंने अही रेजिमेंट को लेकर बयान दिया है। तो चलिए आपको सबसे पहले वही सुनाते हैं क्या कहा सांसद पप्पू यादव ने। अहीर कोई जाति नहीं है, पहले आप समझिए। अहीर रेजिमेंट एक लड़ाकू जस्ता एक अधीर, मतलब कि जो हर पराजय को जीत में बदले। सेंटीमेंट उसका अलग है। पहले बड़ा रेस्पेक्ट, रजला से लेकर के न जाने कई ऐसी बड़ी बड़ी कथा गथा इस रेजिमेंट का रहा है और उसको लेकर के राजीव जी भागलपुर से पैदल हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी हर उस वीरों का सम्मान करती है, रेजिमेंट का सम्मान करती है, चाहे वो किसी कोई रेजिमेंट हो, सिख हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूताना हो, कोई भी रेजिमेंट जो देश के मानव निर्माण में जिसकी भूमिका सर्वश्रेष्ठ रही है उसमें अहीर रेजिमेंट अपने अधिकार और अपने आवाज को लेकर के
मजबूती के साथ पूरे देश में लड़ रही है कि आपने हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार, उनका वो अधिकार और अपने अधिकार को लेकर के आवाज उठाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार को, जो इस भारत के हर बड़ी आजादी में, हर बड़ी कुर्बानियों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुर्बानी निभाई है, उस शहीद रेजिमेंट को पुनः भारत सरकार रेजिमेंट के रूप में मान्यता दे। देश की आवाम, देश के हर वीर अपने अपने रेजिमेंट को लेकर के जज्बात के साथ आगे बढ़ रहा है और यही रेजिमेंट भी अपने अधिकार और अपने जज्बात को लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इसको गंभीरता से देखेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के